नाथ संप्रदाय के शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की पावन भूमि गोरखपुर। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटा तराई का इलाका है। विभिन्न नदियों और सुंदर घने वनों से घिरा हुआ यह भूभाग आने वाले समय में इको टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश के नक्शे पर चमकने को तैयार है। शहर गोरखपुर की पहचान 737 हेक्टेयर में फैली रामगढ़ झील से भी है। किंवदंती है कि प्राचीन काल में इस ताल के स्थान पर एक प्राचीन नगर था जो किसी ऋषि के श्राप से ध्वस्त हो गया और वहां ताल बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। नौका विहार और लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम यहां के प्रमुख आकर्षण है। रामगढ़ झील उत्तर प्रदेश का पहला अधिसूचित वेटलैंड है जिसे रामसर साइट्स की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से एक इंटरनेशनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी निर्मित किया जा रहा है। हर शाम बड़ी संख्या में लोग यहां प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। रात को तो इसकी छटा देखने लायक होती है। गोरखपुर शहर को इको टूरिज्म के नक्शे में सबसे ऊपर रखने के लिए यूपी सरकार ने इसी ताल से सटे 121 एकड़ क्षेत्र में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान भी स्थापित किया है। इस प्राणी उद्यान का लक्ष्य वन्य जीवन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील भी बनाना है। इस चिड़ियाघर का निर्माण कार्य फिलहाल अपने अंतिम चरण में है। इस प्राणी उद्यान में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पहला इंडोर बटरफ्लाई पार्क भी बनाया गया है जिसमें 40 से अधिक प्रजातियों की तितलियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके परिसर में 34 एकड़ का हिस्सा वेटलैंड का भी है। ये प्रदेश का इकलौता चिड़ियाघर है जिसके पास हरे भरे विभिन्न प्रजातियों के युवा पेड़ों और जलीय वनस्पतियों से भरा हुआ अपना वेटलैंड है। हर वर्ष जब तापमान गिरने लगता है तो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। शहर के पूर्वी छोर पर गोरखपुर कुशीनगर राजमार्ग पर स्थित ये वनाच्छादित भूभाग कुसमही जंगल कहलाता है। इसका कुल क्षेत्र 2000 हेक्टेयर है और इसमें विभिन्न प्रजाति की वनस्पतियां और सागौन के पेड़ हैं। इसी जंगल के 50 हेक्टेयर के भाग में यूपी सरकार ने सिटी फॉरेस्ट योजना की घोषणा की है। इस आधुनिक परियोजना में इको फ्रेंडली सुरम्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नॉलेज पार्क, एडवेंचर गेम्स की व्यवस्था के साथ ही साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। इसी जंगल के मध्य भाग में स्थित बुढ़िया माता के सिद्ध मंदिर में आप सड़क से 900 मीटर पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि माता के दरबार में सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि में नेपाल और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उस समय ही जंगल के भीतर ही विनोद वन है। इसे मिनी जू भी कहा जाता है जिसमें तरह तरह के पक्षी,
सर्प। और हिरणों की कई प्रजातियां हैं। ये शहर के लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। इस परिसर से सटे वन विभाग का एक गेस्ट हाउस भी है, जिसका बहुत बेहतर रखरखाव किया जाता है। परगापुर ताल महाराजगंज जिले के आनंद नगर के पास स्थित है। 69 हेक्टेयर का ये विशाल जलाशय अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इसका अद्भुत विस्तार इसे अपने आप में अलग बनाता है। परगापुर ताल को उत्तर प्रदेश सरकार कछुओं और मगरमच्छों के प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने और इसका सुंदरीकरण करने जा रही है। आने वाले समय में यह इको टूरिज्म का प्रमुख केंद्र होगा। चारों तरफ से सघन वनों से घिरे होने के कारण वन रक्षक वन संपदा की रक्षा करने के लिए इस ताल में सघन पेट्रोलिंग भी करते हैं। यह गोरखपुर शहर से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके किनारे पर प्राचीन लहड़ा देवी का मंदिर एक सिद्ध स्थान है। महाभारत काल का यह मंदिर घने जंगलों से घिरा हुआ था और पह नदी के किनारे स्थित था। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहां आए थे। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। का प्राचीन नाम अद्रोना देवी मंदिर था। चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपनी पुस्तक में इस स्थान का उल्लेख किया है। आने वाले समय में गोरखपुर